कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहे मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने आवाज उठाई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर किसानों की समस्या से अवगत कराया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में खाद की कीमतों में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि सरकार हमेशा किसान कल्याण की बात कहती रहती है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके वादे सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रहते हैं। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण और पेट्रोल डीजल के दामों से जूझ रहे प्रदेश में पहले से परेशान किसान अब महंगाई की मार भी झेलने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी का भेद कैसा और कितना होता है, इसका प्रमाण आप अनेक अवसरों पर दे चुके हैं। चिंता का नया दायरा इसलिए अधिक पीड़ादायी है क्योंकि अब मेहनत कश किसान को निशाना बनाया जा रहा है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे किसान पर आपने खाद की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि कर एक और बोझ डाल दिया है। एक बार गंभीरता से किसानों की आर्थिक स्थिति को देखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में कर्ज की मार से परेशान किसान क्यों मौत को गले लगाने को मजबूर है।